चलो मैं आपको भविष्य में ले चलता हूँ। आपके भविष्य में क्या होने वाला है आप जान लोगे, क्या होगा आने वाले कल में। इस टाइम आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में फेल भी हो गए, कुछ नहीं कर पाए। फिर 20-30 साल के बाद जब आपका एज कम होने लगा, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बहुत गरीब हैं, तो सोचो आप क्या करोगे। आपके पास एक ही रास्ता रहेगा, किसी का नौकर बनोगे या छोटा मालिक बनोगे, कोई ना कोई काम जरूर चुनोगे। नहीं चुनोगे तो आपका जिंदगी यापन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे करते करते आप कुछ सपने जो होते हैं अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, आपके कई सपने छूट जाते हैं। धीरे धीरे आपके जो सपने हुए हैं बिखर जाते हैं। आप सोचते हैं कि काश उस समय, जिस समय मेरा जवानी था, उस समय अगर मैंने अपने लिए कुछ किया होता तो आज मुझे रोना ना पड़ता। तो यही लोगों से गलती होती है। जब आता है आप पर मुसीबत, तब जाकर आपके आंखें खुलती है, और जब आप पर मुसीबत नहीं आती है तब आप लोग कोई भी गम दिल में और कोई भी चीज लेकर नहीं चलते हैं। अगर पहले से ही मुसीबत से लड़ने के लिए आप तैयार खड़े रहें तो आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगा ही नहीं। जैसे कि कुछ चीज़ें होते हैं कि आपको पता रहता है कि भविष्य में होगा क्या। जैसे कि आप मजा कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन आने वाले टाइम पे वास्तव में अगर आपके घर प्लस पॉइंट नहीं होगा, यानी एक भी सदस्य कोई पैसा नहीं कमा रहा होगा, तो आपको वो दिन देखना पड़ेगा जो कोई भी नहीं देखा होगा। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए अभी समय है, संभल जाओ, नहीं तो रोओगे ऐसे कि कोई आपको